It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy combat is the most competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. time to experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from Top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. वन कैसे आप सब लोग वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू डर कैसे सब लोग बढ़िया मस्त वॉइस क्लियर है सबको वॉइस क्लियर है सबको तो बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं यूएसबी इज अफ्लो एनोलॉबिक स्लज ब्लैंकेट तो आज जो डिस्कशन होगा मजेदार डिस्कशन होगा कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा यूएसबी में कैसे काम करता है वो बताऊंगा कुछ डिजाइन क्राइटेरिया याद रखने के लिए बोलूंगा और कंप्लीट डिस्कशन होगा इन वन आवर विल कंप्लीट दिस और मजे तरीके से करेंगे कोई जल्दीबाजी नहीं कोई हरबड़ी नहीं लेकिन बहुत प्यार तरीके से करेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले आप सब लोग क्या करो जल्दी से आप लोग क्या करो बच्चा की शेयर कर दो क्योंकि शेयरिंग में देख रहा हूं कम हो रही है क्योंकि बच्चे लाइव नहीं आ रहे ज्यादा ठीक है तो एक बार शेयर ज्यादा कर दिए तो थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊं ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाकी बच्चे जो जुड़ेंगे साथ में सबसे पहले वो सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप सालों सारे लोगों को मालूम है कि रिगार्डिंग माय नेम क्वालिफिकेशन डिटेल एज वेल एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इनवायोमेंटल इंजीनियरिंग जो अभी दो बैच में चल रहा है फाइव थर्टी पी एम में फ्लूड मैकेनिक्स ओ सी एफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सी पी एम पर्ट ई आई ए इन्वायोर्मेंट इकोलॉजी और इन्वायमेंटल केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी जो दो रनिंग सब्जेक्ट हैं आपके वो हैं आपके इन्वायमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है आपका फाइव थर्टी पी एम में मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ अभी और चल रहा है आपका थ्री टू फोर पी एम में ठीक है तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं रिगार्डिंग द कोर डिटेल यू गाइज आर नोइंग दैट इफ यू आर यूजिंग एम आर आई टेन कोड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट और ये टेन परसेंट डिस्काउंट बहुत जल्द फाइव परसेंट में चेंज होने वाला है दैट यू गाइज आर वेल अवेयर कि बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल जाएगी और मेरी सजेशन रहेगी दो गाइज आर प्लानिंग टू टेक इन फरवरी और मार्च आई विल सजेस्ट यू दैट यू कैन सेव दिस अमाउंट दिस परसेंट विल बी अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड समथिंग सो इट विल बी लाइक वेरी मच गुड अमाउंट फॉर यू गाइज टू सेव इट तो प्लान अकॉर्डिंगली दो बैचे जनरली हम प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों आपको एक आइकॉनिक बैच एक प्लस बैच अभी जो रिसेंट बैच प्लस स्टार्ट ट्वेंटी है, है सेकेंड फैब को ट्वेंटी सेकेंड फैब को आपकी रिसेंट बैच स्टार्ट होने वाली है नॉन टेक जो के सब्जेक्ट है उसका भी बैच आपको स्टार्ट हो गया है प्लस बैच में अगर आप जो आपका रेगुलर बैच है अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव क्लास का मिलना रैंक इंप्रूवमेंट बैच का मिलना क्रैश कोर्स का मिलना ये सारी चीजें आपको रहेंगी इसके साथ वीकली टेस्ट भी रहेगा डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा और सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होते हैं सो नो बड़ी विल हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज नो बडी विल रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैलकुलेशन बिकॉज इन दिस रैंक बैच यू विल गेट एन नंबर ऑफ कैलकुलेशन विद दिस प्लस कोर्स यू आर ऑल्सो गेटिंग द टेस्ट सीरीज ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग इन दट एंड द नेक्स्ट थिंग इफ यू गो टू द आइकॉनिक पार्ट यहां जो मिलेगा वो सबसे बड़ी चीज है मैं बोलूंगा पर्सनल कोच का मिलना एक पर्सनल कोच का मिलना बहुत फायदेमंद होता है खासकर उन बच्चों के लिए जिनके जो एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं है दे हैव दैट ऑप्शन दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ बिग स्कोर टू गेट अ बिग स्कोर इन अ गेट और ओके इसके साथ स्टडी प्लानर स्टडी बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस का होना और अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल मिलना तो ये सारा मिलके आइकॉनिक को डेफिनेटली आइकॉनिक बनाता है बेटर देन द रेगुलर कोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग ऑन प्लस फीस देख लेते हैं दोनों की फीस एज इट एज इट इज अ पेड कोर्सेज दोनों की फीस थोड़ी सी नौम, आपकी नॉमिनल देखो फीस कितनी है 2200 पर मंथ है और अगर आप 24 मंथ का देखो 1650 ट्वेंटी तो रुपीज 1650 पर मंथ आई विल से इट्स अ वेरी 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 लो अमाउंट वेरी वेरी नॉमिनल फॉर दिस मच बेटर कंटेंट जहां आपको एक साथ ना कि जसपाल सर प्रवीण कुलकर्णी सर मतलब इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपको एक एक माहौल एक इन्वॉर्मेंट भी, भी मिलता है एक भी मिल है code, MRI10. और, है, अगर बात करें, तो आपकी उसकी फीस फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड है और ट्वेंटी फोर मंथ की बात करें तो फिफ्टी फोर ठीक है चलिए तो ये तो डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग और जो भी फ्री क्लासेस आप देखते हैं इंक्लूडिंग फॉर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम आल्सो मैंने आपको पाँच से छः क्लास आई थिंक पाँच से छह क्लासेस कुछ बच्चे कंफर्म कर सकते हैं पाँच से छह जो क्लास हैं आपके वो आपका पाँच से छह जो आपका है क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए तो वो क्लासेस आप कर सकते हैं फ्री क्लासेस को अटेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है अन अकेडमी में ना, नेम सर्च कीजिएगा मेरा ऐप आप पे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल पे जाइए फ्री स्पेशल क्लास वाले सेक्शन पे जाइए और मस्त इन्जॉय कर सकते हैं मस्त इन्जॉय कर सकते हैं ठीक है तो एक बार देख लेते हैं कि आप में से कुछ लोगों के डाउट्स होंगे मेरे को मालूम है कुछ लोगों का डाउट होगा कि आज राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम कैसे हो रहा है तो बच्चा आप लोग को मालूम है कि अभी फ्राइडे uh, और सैटरडे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा सेशन प्लान किए गए हैं तो जो नॉर्मल क्लासेस है वो अभी नहीं चल रही है आपकी तो विल गेट बैक ऑन मंडे आपकी क्लासेस मंडे से रेगुलर हो जाएंगी आपकी क्लासेस मंडे से रेगुलर हो जाएंगी सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है चलिए अब अब बातें बातें करते करते हैं करते हैं हम लोग यूएसबी की लेट्स टॉक अबाउट यूएसबी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूएसबी फर्स्ट अब अगर मैं यूएसबी की बातें कर रहा हूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसबी क्या क्या चीजें मैं डिस्कशन करने वाला हूं उसके बारे में बता रहा हूं तो यूएसबी का प्लांट

और बिल्कुल प्यार से समझेंगे बिल्कुल प्यार से समझेंगे सबसे पहली बात कि अफ्लो स्लज ब्लैंकेट प्रोसेस तो देखो यहां लिखा हुआ है आपको अफ फ्लो स्लज ब्लैंकेट एनोडोबिक एंड ग्रेन स्लज ब्लड टेक्नोलॉजी रिफर्स टू स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्टर कंसेप्ट फॉर द हाई रेट एनोरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर तो जब आपको बहुत ज्यादा हाई रेट ट्रिकलिंग मतलब हाई रेट भी है और साथ में वो एनोरोबिक ट्रीटमेंट आपको करना है तो आप इस प्रोसेस को एडॉप्ट कर सकते हो ठीक है बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है देखिएगा क्लियर ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा आपको भी एक बार में समझ में आएगा आपको भी एक बार में समझ में आएगा प्री सेडिमेंटेशन एनोरबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड फाइनल सेडिमेंटेशन इंक्लूडिंग स्लजटेबलेन आर एसेंसली कंबाइंड इन वन रिएक्टर मेक इट मोस्ट अट्रैक्टिव हाई रेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑप्शन तो जो आप प्री सेगमेंटेशन करते हो एनोरॉमिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और जो फाइनल सेगमेंटेशन करते हो एक जगह कर रहे हो एनोरॉमिकली कर रहे हो इसका फायदा क्या हुआ कि हाई रेट जो वेस्ट वाटर आता है जैसे हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में क्या होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में क्या होता है कि वहां आपको हाई रेट आपका वेस्ट वाटर आ रहा है साथ में साथ में वो अपने साथ जो ऑर्गेनिक मैटर भी उसको बहुत ज्यादा है लोड भी बहुत ज्यादा है सो इन दैट केस यू कैन गो विद यूएस बी दूसरी बात क्या है टू प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट लाइक मिथेन इन रिच बायोग एंड न्यूट्रीएंट्स रिच स्लच ये भी एक अच्छी बात है कि आपको मालूम है है जब होता है, तो आपको मिथेन निकलता है तो उसको आप स्टोर कर सकते हो उससे आप बिजली पैदा कर सकते हो कुकिंग गैस की तरह यूज कर सकते हो क्योंकि uh, का वैल्यू बहुत ज्यादा है और जो स्लज भी फॉर्म होता है उसमें भी न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा रहता है सो दे दे कैन यूज इट एज ए फर्टिलाइजर फॉर द लैंड दे कैन यूज दैट एज ए फर्टिलाइजर फॉर द लैंड तो ये बेसिक दो ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला जब आपको यूएसबी में भेजना है यूएसबी में भेजना है तो आपका क्या करते हो देखो द इनलेट विल रिसीव द द रॉ टू 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 पास स्क्रीन चैनल एंड चैंबर टैंक तो सबसे पहले आप क्या रखते हो जनरली एक इनलेट चैंबर रहता है उसके बाद आप एक बोल सकते हो टैंक की जरूरत नहीं है आप एक ग्रीड चैम्बर भी बोल सकते हो उसके बाद उसके बाद सबसे पहला क्या हो रहा है आपका स्क्रीन में आपका सारे जो बड़े पार्टिकल्स कर फ्लोटिंग पार्टिकल्स वो ट्रैप्ड हो गए करिएटर टैंक या जिसको आप डिटेंशन ग्रीड रिमूवल टैंक बोलते हो ग्रीड टैंक बोलते हो उसमें आपका ग्रीट रिमूव हो गया तो आपका फ्लोटिंग बॉडीज रिमूव हो गया आपका ग्रीट रिमूव हो गया अब 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 आप आगे क्या करते थे जनरली एएसपी मतलब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते थे या प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजते थे तो ना हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है और ना हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम डायरेक्टली भेज देंगे कहा यूएसबी रिएक्टर में डायरेक्टली कहां भेज देंगे यूएसबी रिएक्टर में ध्यान समझना मैंने क्या बोला जनरल वे हमारा ट्रीटमेंट क्या रहता था कि पहले आप स्क्रीनिंग कीजिए फिर ग्रिड चैंबर लगाइए अगर पैसा है तो स्कीमिंग टैंक भी लगाइए अगर नहीं है तो डायरेक्टली लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि आप इनलेट में आप सबसे पहले क्या दे रहे हो स्क्रीनिंग दे रहे हो देन यू आर गिविंग ग्रिड टैंक ग्रिड चैंबर टैंक और उसके बाद आप डायरेक्टली यूएसबी रिएक्टर में ट्रांसफर करिए डायरेक्टली टू यूएसबी रिएक्टर अब यूएसबी रिएक्टर कैसे काम करता है क्या काम करता है इस बात को समझिएगा यशिका गेट और एसी के कोर्स वाइज पीवाईक्यू कहां मिल सकते हैं ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है लास्ट ईयर मैंने करवाया हुआ है ठीक है अभी रिसेंटली इसी ईयर की बात करो जनवरी में मैंने आपको करवाया हुआ है यशिका यू कैन वॉच दैट एज अ फ्री स्पेशल क्लास आपको अनअकैडमी के मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा ठीक है चलिए बात समझिएगा कि एक यूएसबी कैसे काम करता है इस बात को समझ सब समझना सब लोग ध्यान समझना वर्किंग बता रहा हूं एक बार में समझ में आएगा आपका जो यूएसबी रहता है ना अगर आप उसके सिंगल रिएक्टर की बात करें वैसे कई लोग मल्टीपल रिएक्टर में यूज करते हैं जैसे आपका अम्बर प्लेट प्लांट जो मैं आपको शो करूंगा उसमें मल्टीपल रिएक्टर थे यहां पर आपको मैं एक सिंगल रिएक्टर की बात कर रहा हूं देखो क्या है नीचे से आप इफ्लेंट दिए नीचे से आपका इफ्लेंट गया सबसे पहले आपका जो एरिया होता है सबसे पहले जो आपका एरिया होता है इलेट जो

ये जो आपका सेपरेटर है ना ये जो आपका सेपरेटर है ये क्या करता है वाटर को इधर पास कर दिया वाटर को इधर पास कर दिया और गैसेस को यहां से निकाल दिया तो गैसेस सेंटर से निकल गए सीएच फोर सी एच टू दो भी निकल रहे हो सेंटर से निकल गए ऊपर पाइप लगा के आप उसको कलेक्ट कर लो यहां जो गैसेस निकल रहे हैं, उसको पाइप लगा के आप कलेक्ट कर लो ये गैस आउटलेट आप बोल सकते हो यहां से जो साइड से आपका वाटर निकल गया था वो आपका ये फ्लू में बाहर निकल गया और नीचे सॉलिड के लिए इनफ़ टाइम आपको दे सॉलिड दे दे नीचे तो एनोरबिकन में गैसेस तो निकलेंगे ही तो गैसेस के लिए हमने सेंटर में जगह दिया वाटर सबसे ऊपर ही रहेगा बिकॉज उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड तो वाटर साइड से सबसे ऊपर आ गया ऊपर से फ्लेंट हमने निकाल दिया बाहर निकलने के लिए और जो सॉलिड है

गैस लिक्विड सॉलिड सेपरेटर गैस लिक्विड सॉलिड सेपरेटर कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया समझने वाले को मैं पूछ ही नहीं रहा हूं आई एम नॉट आस्किंग किसको समझ में आया। आस्किंग कितने लोगों को ये समझ में आया 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 रिपीट करो नीचे से आप इन्फ्लुएंट दे रहे हो जब आप नीचे से इंफ्लुएंट दोगे तो कहां जाएगा वो ऊपर की तरफ भागेगा ऊपर की तरफ भागेगा ऊपर से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। आपका ऊपर वाला जोन ऐसा कोई, कोई एकदम क्लियरली सेटेड जोन नहीं है लेकिन ऊपर वाला जो आपको एरोस दिया हुआ है ना ये वाला पार्ट दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इस पार्ट में आपका जनरली रिएक्शन होता है रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है एनोरबिक रिए एनोरबिक रेडिएशन हो रहा है उसके बाद हमने क्या किया है ये वाला पार्ट सेटलिंग क्लिच हो रहा है जैसे आप जैसे नीचे से पानी आ रहा है ना नीचे से पानी आ रहा है नीचे से वेस्ट वाटर आ रहा है तो आपका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि वाटर वाला पार्ट जो है वो ऊपर जाता है साइड से वाटर वाला पार्ट ऊपर जा रहा है सॉलिड आपका यही सेटल हो रहा है नीचे जमा हो रहा है सॉलिड और, और और जो आपका गैसेस है वो इस बीच से निकल जाता है गैसेस आपका इस बीच से निकल जाता है तो गैसेस आपका ऊपर निकल गया वाटर आपका साइड से निकल के इफ्लेंट आपने बाहर भेज दिया सॉलिड आपका वहां नीचे सेटल हो गया सॉलिड आपका वहां पे नीचे सेटल हो गया इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर क्या ये बातें समझ में आई सबको क्या ये बातें सबको समझ में आई क्या ये बातें सबको समझ में आई क्लियर है क्लियर है यहां तक जल्दी जल्दी बताओ सेटलिंग सॉलिड और इंसेंट मिक्स नहीं होंगे नहीं 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 वो स्लो एक 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 पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है वो पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है धीरे धीरे वाटर देखो ये आपको वाटर गैस और सॉलिड को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती जो सॉलिड वाला पार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है जो आपका वाटर वाला पार्ट है वो डेफिनेटली सॉलिड से ऊपर आ जाता है जो गैसेस वो सबसे हल्के हैं वो सबसे ऊपर निकल जाते हैं तो आपको इसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती यू डोंट नीड टू एंड ऑल वो खुद ही आप बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी वो खुद ही सेपरेट हो जाते हैं एंटरिंग नीचे से ही है एंटरिंग नीचे से ही है एंट्रिंग नीचे से ही है नोट करो नोट करो जल्दी से तीन फेज इनलेट स्लज ब्लैंकेट या इसको जो इसको आप रिएक्शन जोन बोलते हो और सेटलिंग जोन नोट कर लिया क्या सबने नोट कर लिया क्या सबने नोट कर लिया बच्चा चलिए आगे बढ़ते अब यहां पर देख लीजिएगा कुछ कुछ आपके यहां पर गिवन है कुछ बेसी बेसी चीज जो आपको मैं याद रखने बोलूंगा जैसे देखो क्या क्या गिवन है सबसे पहले बात करते हैं एचआरटी की हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कितना एट टू टेन आवर एज एवरेज फ्लो और मिनिमम फोर आवर्स एट पीक फ्लो स्लज स्लज रिटेंशन टाइम थर्टी टू फिफ्टी डेज और मोर ये दोनों पॉइंट याद रखना इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट वन टू थ्री सीओडी मीटर पर डे फॉर डोमेस्टिक सीवेज एंड टेन टू फिफ्टीन सीओडी मीटर क्यूब पर डे फॉर एग्रो मतलब इन, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए दस से पंद्रह है और सीओडी जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट के लिए एक से तीन है नेक्स्ट बात करो आप अगर, अगर अप फ्लो वेलोसिटी ये आपसे पूछा जाता है तो अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर आवर एट एन एवरेज और वन पॉइंट टू मीटर पर आवर एट पीक फ्लो विच एवर इज लो अब याद रखना आपको एवरेज फ्लो पे 0.5 मीटर पर आवर होगा और 1.2 मीटर पर आवर एट पीक फ्लो, वर में जो मिनिमम होगा उसको आप रखते हो वेलोसिटी मतलब नीचे जो नीचे से ऊपर जो इफ्लुएंट जा, जा रहा है उसको हम बोलते हैं है इसके, इसके, इसके अलावा जो मैं देखूं तो गैसेस प्रोडक्शन कितना हो जाता है आपका गैसेस प्रोडक्शन जो आपका हो रहा है यहां देखिएगा हाँ, तो क्यूब पर केजी ऑफ सीओडी होता है रिमूव और एक्चुअली uh, मतलब मीटर क्यूब पर के जी ऑफ सीओडी तो सीओडी तो से रिलेट कर रहे हैं यहां तो जितना सीओडी आपने दिया है उसका अगर आप पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री जो एक एक्चुअल रिलेशनशिप है आपका इतने गैसेस आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं अब यहां पे देखो क्या है गैसेस यूटिलाइजेशन मेथड ऑफ यूज इज ऑप्शनल वन मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस विद मीथेन कंटेंट इज टू इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो अलग अलग डिपेंड करेगा ये आपको एक्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक जनरल डाटा बता दिए हैं कि जो आपका वन मीटर क्यूब ऑफ बायोमास होगा जो बायोगैस होगा और जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट मीथेन होगा वो आपको वन पॉइंट फाइव किलो वॉट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बट ये डिपेंड करेगा इट विल डिपेंड अपॉन द साइट टू साइट तो आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा रहा हूं ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट आपको याद रखने इसलिए मैं बता रहा हूं फटाक से नोट कर लीजिए अच्छा जूम कर दू अब क्लियर है अब क्लियर है नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू Now it is clear to all of you. ठीक है चलो नोट कर लिया आपने नोट कर लिया आपने बेसिक चीज है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम आठ से दस घंटे आपके मतलब पानी आपका आठ से दस घंटे ठहरता है एसआरटी जो है तीस से पचास दिन मतलब आप स्लज का जो रिटेंशन टाइम है वो तीस से पचास दिन हो गया नेक्स्ट अगर आप देखो तो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट एक से तीन के जी ऑफ सीओडी रहता है आपका और इसके साथ अगर आप बात करो एक से तीन के जी मीटर क्यूब रख लो आप So, एक से तीन के जी सीओडी पर मीटर क्यों पर डे होनी चाहिए और साथ में अगर आप बात करो इंडस्ट्रियल सीवेज की तो वो दस से पंद्रह है हाँ एक और चीज याद रखना एक और चीज याद रखना कि बीओडी सीओडी रिमूवल इफिशेंसी में कितनी है आपकी बीओडी सीओडी रिमूवल इफेंसी में आप देखो कितना है सीवेज में देखोगे तो आप सेवेंटी फाइव टू एटी फाइव परसेंट आपको बीओडी रिमूव हो जाता है सेवेंटी फोर टू सेवेंटी एट परसेंट आपको सीओडी रिमूव हो जाता है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है मैं बोलूंगा एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बोलूंगा कि आपके पास सेवेंटी फाइव टू एसेंट बी ओडी का होना या टू यासेंट सीओडी का होना ये बताता है कि आपका जो इफ्लेंट है आपका जो इफ्लेंट है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जरूरत है उसमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं है सो वी नीड टू गिव दर वी नीड टू गिव सम्रीटमेंट ये और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे चलिए आगे बात करते हैं अच्छा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला पार्ट भी देख लेते हैं कि क्या इसके क्या 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 इसके एडवांटेज एडवांटेज है है देखो सबसे हाई रिडक्शन ऑफ बीओडी कैन वीटर हाई ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि इसी की वजह से यूएसबी को ज्यादा यूज किया जाता है ज्यादा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हैंडल कर देता है उसके साथ आपका हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को भी हैंडल करता है जनरली आपके जो म्यूनसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो बड़ा प्लांट है जो बड़ा प्लांट है उसमें अगर आपका फ्लो बढ़ गया तो एएसपी सफिशिएंट नहीं होता है एक दिन में क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक ही दिन में करना है ना हमारा टाइम फिक्स है ट्रीटमेंट का डेली हमको ट्रीटमेंट करना है इसी वजह से हमको यूएस भी आपको आजकल दिखेगा इंडिया में भी दो तीन प्लांट में आपको यूएस भी दिखेगा लो स्लज प्रोडक्शन एंड दस इनफ्रिक्वेंट डी पीरियड यहां जो आपका क्या है कि स्लज प्रोडक्शन बहुत कम होगा उसका रीजन है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन होता होता है 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 और आप सब लोग को मालूम जब डिकम्पोजिशन होता है, तो की बायोमास जनरेशन बहुत कम होता है क्यों क्योंकि यहां गैसेस बहुत ज्यादा निकलते हैं एनोरबिक डिकम्पोजिशन में गैसेज बहुत ज्यादा निकलते हैं तो डेफिनेटली आपका क्या होगा बायोमास जो बायोमास जो आपको जो स्लज मिलता है वो कम मिलता है अगर ये समझ नहीं आया तो आप देखना कोई चीजों को कोई कोई चीजों को आप एनोरिकलीनोमलीनोविक डिकम्पोज कीजिएगा तो आपको देखिएगा ना अवशेष जो उसका बचता है बहुत कम बचता है बहुत कम ठीक है बायोमास कैन बी यूज फॉर एनर्जी बट यूजली फर्स्ट रिक्वायर्ड स्क्रबिंग अच्छा तो वो करना है बट बायोमास जो है बायोगैस आप उसको यूज कर सकते हो नो एडिशन सिस्टम रिक्वायर्ड ये तो और अच्छी बात है भैया क्योंकि एनोरविकन है तो आपको एयर सप्लाई नहीं करना पड़ेगा अनलाइक टू द एएसपी क्योंकि एएसपी में आपको एयर सप्लाई करना पड़ता था इफ्लेंट इज रिच इन न्यूट्रिय एंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर इरीगेशन तो इसका जो इफुलेंट होता है उसको आप यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए तो यह भी एक अच्छी बात है low, low ये बहुत अच्छी बात है इसी वजह से मैं बोलूंगा दीज आर द नेक्स्ट रीजन या दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से यूएस भी हमारे बड़े बड़े प्लांट में चलता है क्योंकि एरिया कम लगता है एरिया कम लगने का रीजन है क्योंकि जब ये पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा लोड ले, ले रहा है तो आपको क्या करता है कि ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज आपको ये बहुत ज्यादा सीएच फोर निकलने नहीं देता एक कंट्रोल वे में सी एच फोर और सी एच टू निकलता है और वो हमारे लिए फायदेमंद है नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो जरूर होंगे देखो ट्रीटमेंट में मे बी अनस्टेबल विथ वेरेबल हाइड्रोलिक एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आप याद रखना जब भी एनोरबिक डिकम्पोजिशन होता है उसको एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए प्रॉपर उसको क्योंकि आपको मालूम है ना क्योंकि एनोरबिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है मिथेनोमर्ग वर्क करते हैं मिथेनोमर्ग बहुत ज्यादा होंगे तो जो मिथेन कन्वर्जन हो रहा है आपका जो मिथेन कन्वर्जन हो रहा है वो मिथेनोमर् बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा उसको अगर आपने थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन किया या तो नेचर ऑफ वेस्ट वाटर में या आपने रेट ऑफ वेस्ट वाटर में अगर दोनों में फ्लक्चुएशन करोगे तो इफिशियंसी में फर्क तो आएगा ही तो ये एक डिसएडवांटेज है दूसरा डिसएडवांटेज रिक्वायर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाय स्किल पर्सनल डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रोलिक कंडीशन तो डेफिनेटली है यहां पे आपको नॉर्मल तरीका नहीं स्किल तो चाहिए तो ये प्रॉब्लम एएसपी में भी है ये प्रॉब्लम एएसपी में भी है लॉन्ग स्टार्टअप टाइम टू वर्क एट अ फुल कैपेसिटी डेफिनेटली इतना बड़ा रिएक्टर है ऊपर से आपका एनरोमिक कंडीशन प्रिवेल करवाना है तो कंप्लीटली वर्क करने के लिए आपको एक टाइम लगेगा और इसका डिसएडवांटेज में एक और बोलता हूं कि आप बीच में स्टॉप नहीं कर सकते और यह प्रॉब्लम एएसपी के साथ भी है ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के पास है एएसपी के साथ भी यह प्रॉब्लम है उसको भी आपको पूरा फुल इफिशियंसी में वर्क करने में टाइम लगता है तो यह जो प्रॉब्लम है आपको एएसपी के भी साथ में नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बात करूं हाँ वो लेफ्ट वाली टेबल को नहीं देखना

जनरली उस रीजन में काम सही करता है उस रीजन में काम सही करता है ना कि यह अच्छा फेमस हो भी रहा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहने पे इसको फायदा मिल जाता है और इसकी वजह से इसकी जो डिकम्पोजिशन रेट है इसकी जो इफिसियंसी है वो भी अच्छी हो जाती है तो मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिया एक शो कर दिया मैंने आपको पिक्चर भी शो कर देता हूं एक मैंने आपको पिक्चर भी शो कर दिया यूएसबी रिएक्टर का यूएसबी रिएक्टर का एक पिक्चर भी मैंने आपको शो कर दिया ये आपका वही प्लांट है देख कई सारे इसमें अटैच है कई सारे रिएक्टर जो अटैच है और रिएक्टर आपका अंडरग्राउंड है रिएक्टर आपका अंडरग्राउंड है तो यह भी एक अच्छी बात है आपकी चलो अब बात करते हैं कि देखो जब भी आप बात करता एक एक स्लाइड और आपके लिए छूट गया था एक स्लाइड और आपके लिए छूट गया था यहां पे, इस स्लाइड का एक एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एक बार

उस नीचे जो स्लजो हो, जमा होते जा रहा है निकाल लो अदरवाइज से जाता वो mix होता पानी बढ़ता रहेगा यह चलता रहेगा जब आपको लगता है कि नीचे का स्लज बहुत ज्यादा हो गया है जमा यू कैन टेक इट आउट यू कैन टेक इट आउट एंड इंटू द स्लज यूनिट यू कैन पुट दैट पार्ट इन टू द स्लज यूनिट नेक्स्ट पॉइंट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट एनोमिकलीटेड

सारे पार्टिकल जो उसको सेटल होने चाहिए थे वहां पे वो नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से आप क्या करते हो यूएसबी के बाद आपको एक एक कोई ना एक एडिशन जोन या आपको बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट जोन कुछ ऐसा देना पड़ेगा कुछ ऐसा पॉन्ड लैगून टाइप का देना पड़ेगा जहां फर्दर सेटलमेंट हो जाए आपका सस्पेंडेड सॉलिड का एडिएटेड प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू बी डिकम्पोज अलॉन्ग विदर बाय प्रोवाइडिंग ह्यूज सर्फेस एरिया द रिजल्टिंग इंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्यूटी लोड बाई सेवेंटी फाइव परसेंट तो जस्ट आफ्टर यूएसबी आप जनरली भी प्रोवाइड करवाते हो या आप एक एडिएशन पॉइंट प्रोवाइड कर देते हो जहां पे प्रॉपर एडिएशन होगा जितना ज्यादा एडिएशन होगा जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल पार्ट उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होंगे उतना ज्यादा वो रिमूव्ड होंगे तो यहां भी बोला गया कि जो आपका 75 तो आपका कौन रिमूव कर रहा था 75 ऑफ योर बीओडी वॉज रिमूव बाई यूएसबी उसके बाद जो आपको बचा देखो क्या बोल रहा है द रिजल्टिंग इंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस द बीओडी लोड बाय फर्दर ये आपके जो आपने एरिएशन करने की वजह से क्या हो रहा है 75 और कम हो गया डिटेंशन टाइम पूरे घंटे घंटे क्योंकि ये जो के लिए बहुत बड़ा रहता है तो आप चौबीस घंटे भी रोकोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पौंड बहुत बड़ा रहता है तो चौबीस घंटे भी अगर आप रोकोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट यही आपका एरिएशन टैंक देखिए दिस इज योर एडिएशन टैंक दिस इज योर एडिशन टैंक और एरिएशन टैंक में ना बीच बीच में वो लगाए रखते हैं वो एरिएटर के लिए ताकि आपका वाटर हमेशा टर्बुलेंट रहे अगर आपका वाटर टर्बुलेंट रहेगा जितना ज्यादा टर्बुलेंसी रहेगी उतना ज्यादा एरिएशन होगा इस लैगून में उतना ज्यादा आपका ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल होगा उतना ज्यादा सस्पेंडेड जो आपका बीओडी की वैल्यू है उतनी कम होती जाएगी जस्ट आफ्टर यूएसबी ये देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यूएसबी ट्रीट तो कर देता है बट उसके इफ्लेंट जो होते हैं उसके इफ्लेंट होते हैं उस उसमें बहुत हाईली इनऑर्गेनिक रहता है वो हाईली इनऑर्गेनिक रहता है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एडिएशन टैंक क्यू देते हैं वो क्या करता है एडिएशन टैंक आपके यूएसबी में दोनों पार्ट क्लियर है सबको दोनों पार्ट क्लियर है सबको क्यू करते हैं और क्यों करते हैं ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन बता दो एरिएशन पॉन्ड और एरिएशन लैगून में कोई फर्क नहीं है मैकेनिज्म वाइज सेम वर्क करता है मैकेनिज्म वाइज दोनों सेम वर्क करते हैं हां बट ये है कि आपने डेप्थ को बदलोगे आप लैगून में देखो एडिएटेड लैगून हो गया या एडिएटेड एडिएशन पॉन्ड जो होता है ना उसमें अगर आप डेप्थ को बदलोगे अगर आप सेलो डेप्थ का रखोगे तो आपके पूरे पार्ट में क्या होगा बायोड्रिबल ही रिएक्शन हो रहा होगा अगर आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ का रखोगे तो नीचे वाले पार्ट में फिर से पॉलिशिंग हो हो तो पॉंड क्या काम करता है पॉलिशिंग पॉंड इस बात को समझते हैं तो पॉलिसिंग पॉन्ड आर यूज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इफ्लेंट फ्रॉम इफिशियंट यूएसबी रिएक्टर्स टू सो दैट द क्वालिटी बिकम्स कंपेटेबल द डिजाइन स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है खतरनाक नहीं है एडिशन पॉन्ड के बाद आप एक एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड रखते हो आप एडिशन पॉंड के ऊपर वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप मतलब ऊपर वाले फ्लो से आप ट्रांसफर करके पॉलिशिंग पॉंड में डाल दिए सस्पेंडेड सेटलिंग पॉंड है वहां आपके पार्ट कल सेटल होंगे जो भी सेटल हो रहे हैं उसका ऊपर से उसके ऊपर मतलब अपर फ्लो से आप अपर वाले लेयर से फिर पानी आप बाहर डिस्पोज कर सकते हो सो इट इज मेनली यूज टू इंप्रूव द हाइजीनिक क्वालिटी पॉलिसंग पॉन्ड बैफल वॉल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लो विध रिटेंशन टाइम ऑफ ट्वेल्व आवर नी रिमेनिंग आपके हैं उसको एकदम कम कर देता है ये क्योंकि यहाँ पे आपको इनफ टाइम मिलता है इट्स लाइक इट्स लाइक टैंक आराम से टाइम मिलता है बेफल वॉल के यूज करने से क्या होता है आपके बेफल वॉल यूज करने से क्या होता है कि आपके पास स्पेस बहुत बच जाता है स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है तो आराम सेटिंग होती है और ये पॉलिसिंग पॉन्ड जरूरी होता है यूएस में क्योंकि आपको जो इफलेंट क्वालिटी है स्टैंडर्ड उसको भी मैच करना है तो ये आप देख सकते हो पॉलिसिंग पॉइंट इधर आपका वो था इधर आपका एडिशन टैंक था एडिशन पॉइंट था उसके बाद ऊपर से वाटर ऊपर से वाटर ऊपर से डालना नीचे से वाटर नहीं डाला जाता वाटर हमेशा ऊपर से डाला जाता है चलिए बात करते हैं आप देखो लेआउट में में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा एरिएटेड लेगुन की डिजाइन क्राइटेरिया हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है बच्चा अभी एरिएटेड लेगुन हमारा फोकस अभी यूएसबी पे है राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यूएसबी राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यूएसबी चलिए थोड़ा बातें करते हैं थोड़ा समझते हैं देखो क्या होता है ये आपका वेस्ट वाटर आ रहा था सिटी से सबसे पहले आपने उसको स्क्रीन दिया सबसे पहले आपने उसको स्क्रीनिंग किया सबसे पहले स्क्रीनिंग हुआ उसके बाद ग्रीड चैंबर, ग्रीड चैंबर के बाद आपने क्या किया उसको आपने कहीं उस वाटर को स्टोर किया ढंग से ताकि एक प्रेशर डेवलप हो क्योंकि और उसके बाद आपने कहा भेज दिया दिस इज दिस इज आवर मल्टीपल मल्टीपल usb यूनिट मल्टीपल usb यूनिट ऊपर से जो आपके गैसेस फॉर्म हो रहे थे सबको एक जगह कलेक्ट किया और आपने गैस साइड में भेज दिया इसके बाद ऊपर से जो आपको ऊपर से जो आपको वाटर आ रहा था ऊपर से जो आपका वाटर आ रहा था वाटर के लिए हमने एक अलग बताया वाटर वाला पार्ट के लिए हमने अलग बताया तो जो वाटर आपका निकल रहा है उसको आपने क्या किया द नेक्स्ट वाटर यू हैव सप्लाइड टू आइदर आप उसको सप्लाई कर दो एरिएशन uh, पॉन्ड में अब ध्यान रखना एरिएन पॉन्ड कैन बी एरोबिक आल्सो इट कैन बी आल्सो इट कैन बी फैकुलेटिव आल्सो फैकुलटिव मतलब ऊपर में एरोबिक काम कर रहा है नीचे में एनोरोबिक काम कर रहा है तो वो भी करता है वो भी करता है तो आपको एरोबिक ट्रेन बनाओ डेप्थ पे डिपेंड करता है कि वो आपका फैकुलिटिव भी होगा या आपका पूरा एरिएशन जोड़ रहेगा तो वो डेप्थ पे डिपेंड करता है एंड देन यू डिस्पोज इट टू द पॉलिसिंग पॉन्ड एंड देन यू हैव डिस्पोज इट डायरेक्टली टू द सिटी तो सीक्वेंस याद रखना सबसे पहले आपका रॉ वाटर सिटी में कहा गया स्क्रीन में गया ग्रिड चेम्बर में गया उसके बाद आपको कहा गया यूएसबी यूनिट में गया उसके बाद कहा गया एडिशन टैंक या पॉन्ड में गया और टैंक में बोला एडिशन पॉन्ड में गया एंड देन इट ट्रांसफर टू द पॉलिसिंग पॉन्ट पॉलिसिंग पॉइंट से निकला इफ्लेंट बाहर भेज दिया हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया रिवर या कहीं पे और जो आपका स्लज मिलेगा आपको यहां से जो आपका स्लज मिल रहा है दीज ऑल स्लज दीज ऑल स्लज आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्लज ड्राइंग बेड ट्रीटमेंट होती है उसका कंप्लीट आइडिया तो एनी बडी है जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं क्लासेस बहुत पहले से चल रही है बात समझ में आई तो बताइएगा अगर बात समझ में आई तो बताइएगा सब लोग अगर बातें समझ में आई तो बताइएगा सब, तो सब लोग जल्दी से If you guys understood this, then please let me know. If you guys understood this, please let me know. अगर बातें समझ में आ गई हो तो जल्दी बताइएगा पॉन्ड के बाद आपका लास्ट जो होता है वो होता है क्लोरिनेशन जिसको यूनिट बोलते हैं कभी कभी किसी प्लांट में आप क्लोरेशन करते हो कभी कभी नहीं करते हो तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा और इसका पर्पस क्या है है वो आप सब लोग को मालूम क्लोरिशन क्यों करते हैं तो नो नीड टू डिस्कस दैट पार्ट सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करू ये वाला डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करना है अरविंद दिस डायग्राम यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन फर्दर और एक्सप्लेन इट अगेन चलो बात करते हैं देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं सुनना ध्यान से सबसे पहले आपका वेस्ट वाटर सिटी से कलेक्ट हुआ उसको आपने स्क्रीनिंग में भेजा सारे फ्लोटिंग पार्टिकल्स निकल गए उसके बाद आपने ग्रिड चेम्बर भेजा सारे ग्रेट, सारे मतलब इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आपके निकल गए प्लस नॉन बायोडल ऑर्गेनिक मैटर जो था वो रिमूव हो गया ग्रिट में देन वी ट्रांसफर दैट इंटू एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड टैंक जहां से आप कहां भेजोगे वहां से फिर टैंक से कहां भेज रहे हो आप यूएसबी रिएक्टर में यूएसबी रिएक्टर में क्या होता है कि आपको मालूम है जो डिडक्शन होगा आपका सेवेंटी फाइव परसेंट वहां पे तो अगर साथ में सीओडी वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है तो आपका अगर परसेंटेज आपको याद रखनी है तो आपको मैंने नोट करवाया है यहां पर देखिए इफिशियंसी सेवेंटी फाइव टू एसेंट फॉर बीओडी एंड सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर टू एवं फॉर सीओडी अब इफिशियंसी तो उतनी अच्छी नहीं है और इसी वजह से क्या होता है कि USB से जो आपका पानी निकलता है वो बहुत ही काला और उसमें सॉलिड कंटेंट बहुत होते हैं। so, हमको उसको और करने की जरूरत पड़ती है।, है? है कि एक तो बहुत बड़े एरिया में आपने वाटर को स्टोर कर लिया लंबे टाइम तक और अगर आपने उसको एरिएशन टैंक बोला है तो आप उसमें टर्बुलेंस रख रहे हो ताकि एरिएशन हो और जब एरिएशन होगा तो आपको मालूम है जब ऑक्सीजन आपके वाटर में घुसता है

after that you directly dispose that water into river clear hai is that clear to all of you dear is that clear to all of you dear chaliye aage badhte hain By product में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या बाई प्रोडक्ट आपको आता है सबसे पहले बाय प्रोडक्ट में आपको आ रहा है देखो फ्लोटिंग टाइप गैस होल्डर विल बी प्रोवाइडेड इन कॉन्क्रीट टैंक तो स्लज भी मिलेगा आपको जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स पे काम आ सकता है मिथिन मिलता है जो भी आपको काम आ सकता है और मिथेन को आप बायोगैस प्लांट बना सकते हो अब ये एडवांटेज तो मैंने आपको पहले से बता दिया है बट फिर भी मैं एक छोटी सी बातें बता देता हूं जैसे प्रोड्यूसेस इजली डी वाटर एक्सेस स्लज अच्छा जो एक्सेस वाला पार्ट है वो भी आपके लिए आसान होता है लो एनर्जी कंजन एनर्जी कंजन कम है ऑफ नॉइज एंड ऑर्डर नाइसेंस प्रूवन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब आप ऑलमोस्ट आल्म, प्रूव कर दी गई है कि जो सारी चीजें हैं आपको इफिशियंसी वाइज भी अच्छी है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एनोर्मिकोजिशन है ना तो एनोर्मी डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन आप नहीं सप्लाई करोगे और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करना पड़ा तो कॉस्टली तो आप कॉस्ट वाला पार्ट तो आपने बचा ही लिया

कंक्लूजन की बात करते हैं लेट्स स्टॉप कम टू द कंक्लूजन कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट प्लांट यूएस कैपिटल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम कैपिटल कॉस्ट भी मिनिमम है ऑपरेशन कॉस्ट भी क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी तो ऑपरेशन कॉस्ट तो मिनिमम होने ही वाला है मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिनिमम ही है नेक्स्ट यूज वाटर टू जनरेट पावर यूज वेस्ट टू जनरेट पावर आप यहां से बायोगैस को यूज करके पावर को भी मतलब आप बायोमास ग्लास भी बना सकते हो नेक्स्ट ट्रीट द रॉ सीवेज एंड रिलेजेज ट्रीटेड वॉटर टू मेंटेन रिवर इकोलॉजी तो ये आपका जो रॉ सीवेज है उसको मतलब एक कंफ्यूजन बोल सकते हो कि आप इसको ट्रीट करोगे नहीं करोगे तो फिर रिवर में डिस्चार्ज करोगे तो हमारे लिए रिवर इकोलॉजी के लिए खराबी होता है टर्न वेस्ट वाटर इंटू वाटर फिट फॉर इरीगेशन वॉटर फिट फॉर इरीगेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि न्यूट्रिय कंसेंट्रेशन अच्छी रहती है खासकर नाइट्रोजन वाला कंटेंट अच्छा रहता है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट के लिए हमको रिमूवल दे नहीं रहे इसकी वजह से आपको क्या होता है जो वाटर रहता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से या नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होने की वजह से आप वाटर को इरिगेशन में यूज कर सकते हो एज ए फर्टिलाइजर आपको मालूम ही है कि दैट दैट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर विल एक्ट एज ए फर्टिलाइजर फॉर इरीगेशन पर्पज और फॉर फार्मलैंड सो आई थिंक कंक्लूजन पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एनी बडीविंग एनी मी विकास राजस्थान स्टेट पर्सूशन कंट्रोल बोर्ड की प्लेलिस्ट नहीं है क्या सर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्ले लिस्ट बनी नहीं होगी आई एम नॉट श्योर अबाउट बच्चा कि बनी है कि नहीं क्योंकि चार से पांच क्लासेस हुई हैं आपकी आई थिंक चार भी कहा दिस इज द थर्ड क्लास विच आई एम टेकिंग ऑन यू दिस इज द थर्ड क्लास विच आई एम टेकिंग ऑन यू तो प्ले तो नहीं बनी होगी बाकी क्लासेस आपको फ्री स्पेशल क्लास पे हुई है तो आप बिल्कुल देख के इसको पढ़ें और मजे करें तो यहां तक में यूएस समझने में कोई प्रॉब्लम उसका फ्लोर चार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम या कोई और भी प्रॉब्लम हो जीवन में तो बताएं जल्दी बताइएगा मैंने बोला था वन आवर में यूएसबी कंप्लीट कर दूंगा ज्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं ज्यादा टाइम है कि आप आपको मालूम है टुडे इज टुडे डेट इज वॉट नाइनटीन सो यू गाइज आर हैविंग ऑलमोस्ट वन वीक हाँ अनकेडमी पर भी है अनडमी पर भी पांच से छह क्लासेस मैंने अनकेडमी पर भी, अनकेडमी भी, भी लिया है ठीक है लिए तो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट 11 बजे 11 एक बजे एक्टिव रहोगे कि नहीं 11 पीएम में जीके 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 और जीएस वाले सेशन में जीके जीएस फॉर राजस्थान इट विल बी क्वेश्चन सेशन जहां पे मैं हंड्रेड क्वेश्चन डील करूंगा आई विल बी डिस्कसिंग यू 100 क्वेश्चन एसआर मीन रिटेंशन टाइम ठीक है अरविंद मैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूं टेलीग्राम पे मैं सेंड कर देता हूं आप नेक्स्ट क्लास में ग्यारह बजे किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना ग्यारह बजे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा रेडी रहोगे ना रात में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसी टाइम स्लॉट पे मेरे को खाली मिला दैट स्लॉट इज ओनली वैकेट तो कल 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 भी आपकी क्लासेस है कल मॉर्निंग टेन एम में आपकी क्लासेस है और एक और क्लासेस है आइधर थ्री टू फोर या फाइव थर्टी टू सिक्स फोर्टी फाइव मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग जहां भी कनेक्टेड हो मेरे से बालाचरण पूछ रहे हैं सर डी ओ लेवल इन आफ्टरनून एंड मिड नाइट विचवन इज ग्रेटर इस सवाल के जवाब बाकी लोग देंगे बाकी लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा बालाचरण का डाउट जल्दी बताइए विकास टेक की टॉपिक जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो सारे टॉपिक आपको इन्वॉर्मेंट्रल इंजीनियरिंग से एक्स्ट्रा इन्वॉर्मेंट्रल इंजीनियरिंग के कंप्लीट लेक्चर तो रहेंगे ही उसके अलावा क्या क्या है हाँ ग्यारह बजे वो स्लॉट खाली और आराम से करेंगे ना आप लोग डिनर उनर करके आइए आराम से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे टाइम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए ज्यादा टाइम में आज सौ कर लेंगे कल भी सौ लेंगे तो दो सौ क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि बीस क्वेश्चन तो आ जाएगा वहां से अगर बीस क्वेश्चन आ गया मतलब हम लोग एकदम अगर दस परसेंट भी वहां से आ गया ना क्वेश्चन तो समझो आपको बहुत बड़ा मार्क्स आपका चेंज कर देगा बहुत बड़ा मार्क्स आपका चेंज कर देगा सो इवन आउट ऑफ टू हंड्रेड क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इवन टेन क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम आई विल से इट्स अ वेरी गुड आई विल से इट्स अ वेरी गुड फॉर यू youtube that classes will be on youtube that classes will be on youtube चलो 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 फास्ट 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 देखो विकास मैं आपको लॉजिक बता रहे हैं बालाचरण में आपको लॉजिक बता रहा हूं एक बार में समझोगे जब आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है सोलिडिटी ऑफ गैसेस कम होती है क्यों क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा आपका जो ब्राउनियन मोशन होगा पार्टिकल्स में, में। ब्राउनियन मोशन की वजह से गैसेस पार्टिकल वाटर से बाहर चले जाते हैं तो जब आपके वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है डिजोलऑक्सिन की वैल्यू कम होती है इसीलिए आपको नाइट में मिडनाइट में आपको मिलेगा मिडनाइट अगर आप देखो एकदम आप नाइट में या आप एकदम सुबह की बात करो अर्ली मॉर्निंग बात करो तो अर्ली मॉर्निंग आपका जो वाटर होगा वो आपको ज्यादा फ्रेश दिखता है ज्यादा फ्रेश दिखता है एज कंपेयर टू नून टाइम एज कंपेयर टू नून टाइम इज दैट क्लियर ठीक है अब यहां एक और लॉजिक आता है एक और लॉजिक आता है कि अगर आपके वाटर में एल्गी बहुत ज्यादा है तो अगर आपके वाटर में एलगी बहुत ज्यादा है तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका फोटोसिंथेसिस होगा जितना ज्यादा टाइम तक आपका सन रहेगा उतने टाइम तक फोटोसिंथेसिस होगा फोटोसिंथेसिस होने की वजह से क्या करेगा वो आपको ओटू निकाल देगा अब ओटू निकलेगा आपको अगर ओटू ऑक्सीजन निकल रहा है आपको तो वाटर में ही जाएगा ना तो अगर वाटर में एलगी बहुत ज्यादा है तो आपको ये वाला फैक्टर ये वाला लॉजिक भी आप लगा सकते हो अब क्वेश्चन में क्या दिया था वो लॉजिक तो आप ही बताओगे तो मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिया मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिया किस केस में आपको क्या होता है मैंने आपको बता दिया किस केस में क्या होता है आप लोगों को बता दिया ठीक है सो वंस अगैंड आई एम रिक्वेस्टिंग बच्चा आप लोग स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं रहे हो मतलब शेयर नहीं कर रहे हो शेयर कीजिए सारे बच्चों को जो भी बहुत सारे बच्चों ने फिलअप किया है फॉर्म सारे बच्चों को इन्फॉर्म करो ताकि जो भी मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए वो काम आए ठीक है चलो और डाउट्स भी अच्छे आते हैं ना आप लोग आप लोग साथ में रहोगे तो डाउट्स भी अच्छे आते हैं टेक्निकल की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाना ओके टेक्निकल की प्रैक्टिस क्वेश्चन विकास में ऑलरेडी करवा चुका हूं इन्वयरमेंटल इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुका हूं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और अभी आपके आएंगे अभी आपके कई सारे आएंगे जिसमें जिसमें आपको सिर्फ करवाऊंगा थ्योरी वाला पार्ट करवाऊंगा आज आपका 19 हो गया ना सो नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन मतलब आप ट्वेंटी तक मानो ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक मैं आपको क्लास लूंगा थ्योरी वाला पार्ट मैक्स जाएगा ट्वेंटी टू तक क्लास थ्योरी वाला उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे जितना ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएगा उतना बनाएंगे ठीक है ठीक है बच्चों, चलो ओके बच्चों, बाय ध्यान रखो अपना एक पीएम रेडी रहना लेट मत होना, क्योंकि क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे वहां पे मैं बैक नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो मैं बैक नहीं जाऊंगा चलो ओके बच्चा बाय बाय ध्यान रखिए अपना Thank you.